हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेज के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है कि एक ही नाम के कितने कैरेक्टर्स हैं विलियम शेक्सपियर के एक ही, जैसे एंटनी। तो एंटनी और शेक्सपियर के कौन कौन से प्ले में है, मतलब एंटनी नाम, ये जो एंटनी करके नाम है, ये क्या वाकई में सिर्फ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में ही है कि जूलियस सीज़र में ही है कि और भी कहीं जगह है? तो ऐसे सेम नेम के शेक्सपियर के कितने प्लेज में हैं, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम 160 आपके कैरेक्टर्स हैं, बट इस वीडियो में हम ओनली 50 या फिर 60 कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी नहीं करना है, एक वीडियो में हमको नहीं पढ़ना है, इसकी दो वीडियो आएंगी। ओके, तो हम या 50 या 60 कवर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी दो वीडियो में चाहती हूँ कि दो ही वीडियो में इसको फिनिश कर दूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर प्लेस। तो शेक्सपियर के प्लेस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसको देख लेते हैं, कुछ मिलते जुलते नाम भी आएंगे। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है एरोन इन टाइटस एंडोनिकस। एरोन नाम का कैरेक्टर जो है वो किस में है, टाइटस एंडोनिकस में है। ये कैरेक्टर के बारे में बताया गया कि ये कैरेक्टर टाइटस एंडोनिकस में क्या इसकी भूमिका है, क्या करता है। तो एरोन जो है वो एक एविल कैरेक्टर है हु इंस्टिगेट्स मोस्ट ऑफ द अदर वाइल्ड कैरेक्टर्स टू डू वायलेंस अगेंस्ट द हाउस ऑफ एंडोनिकस। तो एंडोनिकस जो है वो एक बुरा किरदार है, मतलब एक बुरा किरदार निभाता है इसमें एंडोनिकस में, जो अन्य दुष्ट किरदारों को हिंसा के लिए उकसाता भी है, और विशेष रूप से ये एंडोनिकस परिवार के खिलाफ भी है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं। अगला जो शेक्सपियर का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अगला जो कैरेक्टर है अब्राहम स्लेंडर। ये किस में है, मैरी वाइट्स ऑफ विंडसर में है, जो कि क्या है, ये अ सूटर टू एने। ये क्या है, ये एनी का एक प्रेमी है। तो ये याद रखना है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में ये कैरेक्टर है अब्राहम स्लेंडर, और ये एनी का सूटर है, प्रेमी है, शादी करने के लिए आता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है एकिलिस। ये कहाँ पे पाया जाता है, वैसे तो हम एकिलिस पढ़ते हैं कैरेक्टर नाम, जो आपके युद्ध ट्रोजन युद्ध का एक पूर्व हीरो भी है, हमने पढ़ा है एकिलिस, आई थिंक होमर का जो वर्क है एनीड में, शायद हमने एनीड का जो हीरो है वो एकिलीज ही है, यानी कि ट्रोजन वॉर का एक पूर्व हीरो है। बट वहाँ पे तो हमने देख लिया, यहाँ पे भी एकिलीज, शेक्सपियर के प्लेज में भी एक एकिलीज है, एकिलीज करके कैरेक्टर है। तो किस प्ले में है, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में है। ये रहता कौन है, तो ये फॉर्मर हीरो ऑफ ट्रोजन वॉर हु इज़ नाउ पोर्ट्रेड एज लेजी। ठीक है, हु इज़ नाउ पोर्ट्रेट एज लेजी। तो ट्रोजन युद्ध का एक पूर्व हीरो है, जो अब आलसी के रूप में दिखाया गया है इस प्ले में, आलसी के रूप में दिखाया गया। ट्रोजन वॉर में जो हीरो था होमर, आई थिंक मुझे याद है होमर के वर्क का ही है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो होमर का वर्क आई थिंक एनीड का ही है, वो हीरो था एकिलिस। और इसमें ट्रोलिस एंड क्रेसिडा में भी एकिलिस नाम का कैरेक्टर है, जिसे लेजी के रूप में दिखाया गया है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अगला जो कैरेक्टर है एडम, इस पे मैं एमसीक्यूज भी लेके आऊँगी, पहले हम इसका थ्योरी पढ़ लेंगे। एडम ये एज यू लाइक इट में है। एडम कहाँ पे है, एज यू लाइक इट में है, एक ओल्ड सर्वेंट है। हिज रोल इज सपोज टू हैव बीन प्लेड बाय शेक्सपियर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एडम है वो एक ओल्ड सर्वेंट है, बूढ़ा नौकर है। कहा जाता है कि इस रोल को शेक्सपियर ने खुद ही निभाया था, स्वयं निभाया था। तो एडम नाम का जो कैरेक्टर वो एज यू लाइक इट में है, और ये एज यू लाइक इट में क्या बना है, ओल्ड सर्वेंट बना है, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि शेक्सपियर खुद ही ये रोल निभाए थे, एडम का किरदार उन्होंने खुद ही निभाया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे एमिलिया। अगली जो कैरेक्टर है एमिलिया किस में है, कॉमेडी ऑफ एरर्स में है। और ये कौन रहती है, एक एबिस होती है। एबिस किसे कहा जाता है, द हेड ऑफ एन एबे ऑफ नंस, यानी कि एक नन की प्रमुख। एबिस रहती है, यानी कि एमिलिया कौन रहती है, एबिस, ये किसकी रहती है, नंस की जो प्रमुख होती है उसे कहा जाता है। प्रूव्स टू बी लॉस्ट वाइफ ऑफ इजियन एंड मदर ऑफ द एंटीपोलिस ट्विंस।
और ये जो एगन की खोई हुई पत्नी और एंटीफोलस जुड़वा की माँ साबित होती है, ये अब की एमिलिया। तो एमिलिया कौन रहती है? एंटीफोलस जो जुड़वा रहते हैं और इजियन की वाइफ साबित होती है, और ये कॉमेडी ऑफ एरर्स में है, याद रखना है। अगला जो कैरेक्टर है मार्कस एमिलस लैपिडस, मार्कस एमिलस लैपिडस, ये किस में है? जूलियस सीजर में है। और ये रहता कौन है? तो वन ऑफ द ट्राइमविट्स आफ्टर सीजर डेथ, तो ये सीजर के डेथ के बाद ट्राइमविट्स में से एक है, मार्कस एमिलस लैपिडस। तो पहला कौन रहता है? आई थिंक एंटनी रहता है इसमें। अच्छा, तीनों को हम देख लेते हैं। एंटनी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, एंटनी रहता है और तीसरे नंबर पे मार्कस एमिलस लैपिडस रहता है और एक और रहता है आई थिंक ट्राइमविट्स में, कोई एक नाम और आता है जो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा ज़रूर इसका। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो है द ड्यूक ऑफ एल्बनी इन किंग लियर, तो ड्यूक ऑफ एल्बनी कैरेक्टर जो है ये कहाँ पे आते हैं? किंग लियर में आते हैं। ये रहते कौन हैं किंग लियर में? तो गोंड्रिल्स हस्बैंड, ये गोंड्रिल के पति हैं। नेक्स्ट वन, अगला जो कैरेक्टर है अलोंसो, अलोंसो ये किसमें है? अलोंसो किसमें है? ये टेम्पेस्ट प्ले में है, टेम्पेस्ट प्ले में ये कैरेक्टर है अलोंसो। कौन रहता है ये? द किंग ऑफ नेपल्स एंड एनेमी टू प्रोस्पेरो, तो ये कौन रहते हैं? नेपल्स का राजा, नेपल्स के राजा रहते हैं और प्रोस्पेरो के दुश्मन रहते हैं अलोंसो। अलोंसो किसमें? टेम्पेस्ट में, याद रखना है। नेक्स्ट, अगला जो आपका कैरेक्टर है टाइटस एंडोनिकस, टाइटस एंडोनिकस ये कैरेक्टर किसमें है? टाइटस एंडोनिकस में ही है। ये कैरेक्टर का नाम है और ये प्ले का नाम है, ये आपका प्लेज नेम है, प्ले का नेम, प्ले का नाम है और ये कैरेक्टर्स नेम है, कैरेक्टर का नाम है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, तो ये कौन रहता है? ये इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो रहते हैं, ठीक है, इस प्ले के हीरो रहते हैं टाइटस एंडोनिकस। ओके, फ्रस्ट्रेटेड एंड मैडेंड बाई तमोरा एंड हिज फॉलोअर्स ही टेक्स रिवेंज बाई किलिंग हर सन्स एंड कुकिंग देम फॉर हर टू ईट। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कैरेक्टर के आगे कि इनका क्या क्या प्ले है। तो मुख्य ये जो टाइटस एंडोनिकस में टाइटस एंडोनिकस हैं, ये खुद ही एक हीरो हैं इस प्ले के, और तमोरा और उनके जो फॉलोअर्स द्वारा प्रताड़ित होते हैं और बदला लेने के लिए उसके बेटों की हत्या करके उन्हें पकाकर तमोरा को खिलाता भी है, ये सारा वर्ड इसमें है। बहुत ही ब्लडी प्ले है, ब्लडीएस्ट प्ले है ये टाइटस एंडोनिकस। नेक्स्ट वन पे आएंगे एंजिलो, अब देखिए मिलते जुलते आपको कैरेक्टर मिल जाएंगे यहाँ पे। एंजिलो, एंजिलो ये एक कैरेक्टर है, एंजिलो ये एक कैरेक्टर है, एंजिलो किसमें है? मेजर फॉर मेजर में है, मेजर फॉर मेजर में है ही, ठीक है। तो ही डेपुटाइजेस फॉर द ड्यूक ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम वियना, तो ये क्या करते हैं जो एंजिलो है, ये मेजर फॉर मेजर में कैरेक्टर है और ये क्या करते हैं, ये ड्यूक की अनुपस्थिति में वियना का कार्यभार संभालते हैं। डेपुटाइजेस मतलब कार्य करना, कार्य करना, तो ये क्या करते हैं, उस समय ड्यूक नहीं रहता, वियना का जो ड्यूक रहता है उस समय नहीं रहता है और उसकी एब्सेंस में एंजिलो को देके जाते हैं अपना कार्यभार कि तुम तब तक संभालना, तब तक मैं आता हूँ। तो हाउएवर ही प्रूव्स करप्ट एंड सिक्स सेक्सुअल फेवर्स ऑफ इशाबेला, तो ये हम जानते हैं कहानी, ठीक है, ये कहानी हम जानते हैं कि जो एंजिलो हैं वो ड्यूक की अनुपस्थिति में वियना का कार्यभार संभालते हैं लेकिन भ्रष्ट साबित होता है। कैसा साबित होता है? करप्ट साबित होता है, बहुत ही बेकार किस्म का होता है और इसे गलती से, तो ये समझ लीजिए कि इशाबेला के साथ ये क्या करता है, सेक्सुअल फेवर मांगता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो कैरेक्टर है एंजिलो, देखिए दो टाइप का एंजिलो आ गया, यही मैं पढ़ाना चाहती थी, मेन मेरा मकसद यही था। वैसे तो आप सभी कैरेक्टर को जानते होंगे बट मेन कैरेक्टर यहाँ, यहाँ पे भी एंजिलो है, यहाँ पे भी एंजिलो है, तो एक ही नाम के शेक्सपियर के कितने प्लेज में एक ही नाम के कई कैरेक्टर हैं वो हम इस वीडियो में कवर हो जाएगा। मतलब ये जो मैं वीडियो एक दो वीडियो लेके आऊँगी इसकी, एक दो वीडियो ही आएगी, इस वीडियो में कवर हो जाएगा, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि एक ही नाम के कितने कैरेक्टर हैं, किस किस प्ले में हैं। देखिए यहाँ पर भी एंजिलो है, यहाँ पर भी एंजिलो ही है, तो एक एंजिलो मेजर फॉर मेजर में है, वो क्या करता है यहाँ पे मैंने बता दिया। फिर एक एंजिलो किस में है? कॉमेडी ऑफ एरर्स में है,
यही कन्फ्यूज़न करता है। तो याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साथ लाया ताकि आपको याद रहे कि किसका कौन सा काम है वर्क में, कौन सा किसका काम है। ये जो एंजेलो है ये कॉमेडी ऑफ एरर्स में है। ये एंजेलो कौन होता है कॉमेडी ऑफ एरर्स में? अ गोल्ड स्मिथ हु इज सेंट टू मेक अ चेन बाय एंटीफोलस ऑफ यूफिसिस। ही डिलीवर्स इट टू एंटीफोलस ऑफ सायराक्यूज इन कन्फ्यूजन। लेटर एंटीफोलस ऑफ यूफिसिस रिफ्यूजेस टू पे फॉर इट, कॉजिंग मच कंस्टर्नेशन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो एंजेलो है ये कॉमेडी ऑफ एरर्स में है, जो कि एक गोल्ड स्मिथ होता है, एक सुनार होता है, और जिसे एंटीफोलस ऑफ यूफिसिस उसे एक चैन देता है बनाने के लिए, उसके द्वारा एक चैन बनाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह इसे गलती से एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज को दे देता है। तो एंटीफोलस ऑफ यूफिसिस इसे ही देता है, इस गोल्ड स्मिथ को, उसका नाम रहता है एंजेलो, चैन देता है बनाने के लिए, लेकिन ये क्या करता है बेचारा, अभी दोनों एक जैसा दिखते हैं, तो ये किसे दे देता है, एंटीफोलस ऑफ यूफिसिस को दे देता है वो चैन, और जिसे लेने से लिए मना भी कर देता है। यही सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो ये हमको जानना है एंजेलो कौन रहता है कॉमेडी ऑफ एरर्स में, गोल्ड स्मिथ रहता है। ओके, नेक्स्ट, अगला जो कैरेक्टर है एनी बुलेन इन हेनरी एट। अगली जो कैरेक्टर है एनी बुलेन, ये कौन रहता है? ये एक हेनरी एट में रहती हैं, अ मेड ऑफ ऑनर टू कैथरीन हु लेटर बिकम्स किंग हेनरी सेकेंड वाइफ इन हेनरी एट। तो एनी बुलेन ये हेनरी एट में ये कैरेक्टर है, और ये कैथरीन की एक नौकरानी होती हैं, जो बाद में किंग हेनरी की दूसरी पत्नी भी बनती हैं, ये भी याद रखना है। बाद में ये किंग हेनरी एट की दूसरी पत्नी भी बन जाती हैं एनी बुलेन, और ये पहले तो कैथरीन की नौकरानी रहती हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पाएंगे। अगली जो कैरेक्टर है एनी पेज, एनी पेज कौन है? तो ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है ये कैरेक्टर, द डॉटर ऑफ मास्टर एंड मिस्ट्रेस पेज। तो एनी पेज कौन रहता है? मास्टर और मिस्ट्रेस पेज की बेटी रहती है। सी लव्स फेंटॉन बट हर फादर विशेस हर टू मैरी शैलेंडर एंड हर मदर विशेस हर टू मैरी केयस। केयस, तो अगर आपने मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर पढ़ा होगा तो कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी कि एनी पेज कौन है। तो मास्टर और मिस्ट्रेस पेज की बेटी रहती है एनी पेज, और एनी पेज किससे प्यार करती है? फेंटॉन से प्यार करती है, बट उनके फादर क्या चाहते हैं, उनके पिता चाहते हैं कि वो सिलेंडर से शादी कर ले, और उसकी माँ चाहती है कि वो कैस से शादी करे। काफ़ी कन्फ्यूज़न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कैरेक्टर जानना है, और यहाँ पे भी आप लोग कहानी पढ़ा हुआ तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, लेडी एन। अगली जो कैरेक्टर है आपकी लेडी एनी, ये किस में आती हैं? रिचर्ड थर्ड में। हमने पढ़ाया था, जब मैंने वो सीन वगैरह पढ़ाया था ना, तो उसमें लेडी एनी थी ना रिचर्ड थर्ड में। रिचर्ड थर्ड क्या करता है? वो करता है लेडी एनी को, हमने पढ़ा है इनकी, इसके मतलब तो इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो द विडो ऑफ प्रिंस एडवर्ड, ये किसकी विडो रहती है? लेडी एन, ये प्रिंस एडवर्ड की विडो रहती है। प्रिंस एडवर्ड की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे रिचर्ड थर्ड जाता है, वहाँ पे फ्यूनरल में जाता है, तो वहाँ पे लेडी एन को क्या करता है, वो करता है, पटाने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, सी इज़ वूव्ड बाय रिचर्ड ओवर द डेड बॉडी ऑफ हर लेट फादर इन लॉ हेनरी सिक्स। तो यहाँ पे लेडी एन कौन है? तो ये रिचर्ड थर्ड में आती हैं, और ये प्रिंस एडवर्ड की विधवा हैं, उसे रिचर्ड थर्ड द्वारा वू किया जाता है, जबकि उसके ससुर जो हैं हेनरी सिक्स का 100 पास में पड़ा होता है, उसके बावजूद वो उसे ये सब करता है। कौन? रिचर्ड थर्ड करता है। खैर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन पे आएंगे एंटीवोकस। एंटीवोकस किस में है? ये जो कैरेक्टर है ये किस में है? पेरिक्लीज में है, और द किंग ऑफ एंटीओक, ये कहाँ का राजा होता है? एंटीवोक का राजा होता है। ही इंगेजेस इन एन इंसेस्टुअस रिलेशनशिप विद हिज डॉटर। तो ये क्या करता है? वो अपनी बेटी के साथ अनैतिक संबंध बनाता है। अगर आपने पेरिक्लिस पढ़ा होगा तो वहाँ पे समझ में आ रहा होगा एंटीओकस कौन है। ये एंटीओक का राजा होता है, और ये अपनी ही बेटी के साथ एक अनैतिक संबंध बनाता है। ही ऑर्डर द डेथ ऑफ पेरिक्लिस बिकॉज द लेटर डिस्कवर्ड हिज सीक्रेट। और बाद में ये क्या करता है, जब पेरिक्लिस उसके रहस्य को पता लगाता है तो वो उसे मरवा देने का आदेश देता है। बाद में पेरिक्लिस को पता चल जाता है, बाद में ये क्या करता है, उसे मरवा देने, मतलब जो एंटीओक है, एंटीओक का जो राजा है, वो उसे मरवा देने का आदेश देता है। नेक्स्ट वन पाएंगे। अब यहाँ से बहुत कन्फ्यूज़न आया, एंटोनियो, देखिए यहाँ पे भी एंटोनियो, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ एंटोनियो है।
जो अगला जो कैरेक्टर है एंटोनियो, एंटोनियो किस में है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, हम जानते हैं एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी है। द टाइटल कैरेक्टर शाइलॉक क्लेम्स अ प्राउड ऑफ हिज सॉरी पाउंड ऑफ हिज फ्लैश। तो ये जो एंटोनियो है ये किस में? मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। और प्ले का जो शीर्षक है, कैरेक्टर है शाइलॉक, उसके देह से एक पाउंड मतलब उसके शरीर से एक पाउंड मांस मांगता है, ये तो हमको पता ही है एंटोनियो, ये वाला एंटोनियो जिसका शाइलॉक मांगता है उसका पाउंड ऑफ फ्लैश मांगता है। तो एक एंटोनियो ये हो गया। दूसरा एंटोनियो कौन है? दूसरा एंटोनियो कहाँ पर आता है? मच अडू अबाउट नथिंग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एंटोनियो नाम का कौन आता है? ये कौन रहता है? द ब्रदर ऑफ लियोनार्डो, लियोनार्डो। ये जो एंटोनियो होता है ये लियोनार्डो का भाई होता है। कहाँ पे आता है? मच अडू अबाउट नथिंग में आता है, ठीक है, याद रखना है। और ये भी बता जा रहा है कि क्या है, ब्रदर ऑफ लियोनार्डो का भाई है। थर्ड जो एंटोनियो आता है, जो थर्ड एंटोनियो आपका आता है, ये ट्वेल्थ नाइट में है। किसमें है? ट्वेल्थ नाइट में है। एक सी कैप्टन होता है हु रेस्क्यू सेबेस्टियन, याद आया होगा, ये एक सी कैप्टन होता है जो सेबेस्टियन को बचाता है। फोर्थ जो आपका एंटोनियो है ये किसमें आता है? टेम्पेस्ट में आता है, टेम्पेस्ट प्ले में आता है। ये कौन रहता है? दी ब्रदर ऑफ प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो का भाई होता है। ही कंस्पायर्स विद सेबेस्टियन टू मर्डर अलोंजो एंड गुंजेलो। तो ये याद रखना है, जो फोर्थ है ये प्रोस्पेरो का भाई होता है, वो सेबेस्टियन के साथ मिलकर अलोंजो और गुंजेलो की हत्या का साजिश रचता है। ये फोर्थ आपका कितना एंटोनियो आ गए हैं, उनको याद रखना है कितने एंटोनियो हैं। आई थिंक कितना ही है, पहला, दूसरा एंड तीसरा, चौथा, चार एंटोनियो हैं। अच्छा, और भी एंटोनियो, भी और एंटोनियो आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पांचवा एंटोनियो है, बहुत ही कंफ्यूजन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि बहुत सारा एंटोनियो है। एंटोनियो पांचवा जो एंटोनियो है ये किसमें है? टू जेंटल सॉरी द टू जेंटल मैन ऑफ वेरोना में है। टू जेंटल मैन ऑफ वेरोना में ये कौन रहता है? ही इज प्रोटियस फादर। ये एंटोनियो कौन रहते हैं? तो ये एंटोनियो प्रोटियस के पिता होते हैं, ठीक है। तो पांच एंटोनियो है, मैंने पांचों को यहाँ पे ले आया है और आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है आपका अर्साइट, अर्साइट एंड पैलामोन। अगला जो कैरेक्टर है अर्साइट एंड पैलामोन ये किसमें है? टू नोबल किंग्स मैन में आते हैं। द टाइटल कैरेक्टर्स हुज फ्रेंडशिप एंड्योर्स इवन दो दे इंगेज इन द डेडली फाइट फॉर द लव ऑफ इमेलिया। तो ये याद रखना है कि जो अर्साइट और पैलामोन है ये टू नोबल किंग्स मैन में है, जो कि ये आपके शीर्षक किरदार हैं यानी कि टाइटल कैरेक्टर्स हैं, जिनकी दोस्ती तब भी कायम रहती है जब वह इमेलिया के प्यार के लिए जानलेवा लड़ाई भी करते हैं। अगर आपने टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना पढ़ा होगा तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे एरियल। एरियल नाम का जो कैरेक्टर है ये आपका टेम्पेस्ट में आता है, जो कि एक फेरी है। अगर हम देखा जाए तो ये एक फेरी है और ये टेम्पेस्ट में आता है। स्प्रिट है, स्प्रिट दैट सर्व्स प्रोस्पेरो, ठीक है। ये एक स्प्रिट है, एक आत्मा है जो प्रोस्पेरो की सेवा करता है, ठीक है, याद रखना है। तो फेरी में भी आता है, ये याद रखना है। अगला जो कैरेक्टर है आपका क्वीन कैथरीन ऑफ एरागॉन, क्वीन कैथरीन ऑफ एरागॉन। एरागॉन की जो क्वीन कैथरीन है ये किस में आती हैं? हेनरी एट में आती हैं। ये रहती कौन है? ये भी याद रखना है, किंग हेनरी की पहली पत्नी, द फर्स्ट वाइफ ऑफ किंग हेनरी। ये किंग हेनरी की पहली पत्नी है क्वीन कैथरीन, कहाँ की? एरागॉन की। सी इज़ डिसग्रेस्ड एंड डाइवोर्स्ड। तो ये बेइज्जत, मतलब उसे क्या किया जाता है, इसे क्या किया जाता है? डिसग्रेस किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और तलाक भी दिया जाता है, डाइवोर्स इस कहानी में हेनरी एट में। तो ये किंग हेनरी की पहली वाइफ होती हैं क्वीन कैथरीन। अभी कितना नाम आएगा एक जैसा। अगला देखेंगे हम, अगला जो आपका है, चलिए अगला जो कैरेक्टर है अर्विरेगस, ये किस में आता है? तो सिम्बलिन में आता है। ये कौन रहता है? ही इज़ ऑल्सो नोन एज कैडवॉल, जिसे कैडवॉल के नाम से जाना जाता है। अगर आप सिम्बलिन वर्क पढ़े होंगे तो वहाँ पे जानते होंगे अर्विरेगस जो करके कैरेक्टर है जिसे कैडवॉल के नाम से भी जाना जाता है। एंड इज़ द सेकेंड सन ऑफ किंग, ये राजा का दूसरा बेटा होता है। ही वॉज स्टोलन अवे इन फैंसी बाई मॉर्गन एंड ब्रॉट अप एज मॉर्गन्स चाइल्ड। तो स्टोरी में ये होता है, ये याद रखना है कि जो अर्विरेगस है, यस एक मिनट,
जो अरवीरा गस है सिम्बलिन में, जिसे कैडवाल भी कहा जाता है, वो राजा का दूसरा बेटा भी है, उसे बचपन में ही मार्गन द्वारा चुराया गया था। तो मार्गन करके जो एक कैरेक्टर है मार्गन, जिसे कैडवाल को चुरा लेता है, अरवीरा गस को चुरा लेता है, और मार्गन के बच्चे के रूप में पाला गया था। ये अरवीरा गस है, सिम्बलिन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता होगा। नेक्स्ट वन पर आएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। अगले जो कैरेक्टर है ऑड्रे, ये किस में है? एज यू लाइक इट में है। और ये एक कंट्री गर्ल होती है, वो मैरिज टच स्टोन, जो टच ये ग्रामीण लड़की होती है जो टच स्टोन से शादी करती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है ऑटोलिकस किस में है? विंटर्स टेल में है। ये कौन रहता है? एक रोग सिंगर एंड विलेनस कैरेक्टर रहता है ये ऑटोलिकस, विंटर्स टेल में रहता है। तो ये याद रखना है कि एक धूर्त गायक और एक खलनायक कैरेक्टर होता है, ये याद रखना है ऑटोलिकस। नेक्स्ट वन पे आते हैं। अगला जो कैरेक्टर है बाल्थसर, देखिए बाल्थसर कभी यहाँ पे आ गया, इसको भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। बाल्थसर ये आ गया, पहला जो आपका कैरेक्टर है बाल्थसर किस में है? रोमियो एंड जूलियट में है। और ये रोमियो का सर्वेंट होता है बाल्थसर, याद रखना है। दूसरा जो आपका कैरेक्टर आता है बाल्थसर ये भी है। पहला किस में आया बाल्थसर? रोमियो एंड जूलियट में है, ये रोमियो का सर्वेंट है, उसे बाल्थसर। दूसरा बाल्थसर नाम का कैरेक्टर है किस में? मच अडू अबाउट नथिंग में है। ये कौन रहता है? एक सिंगर रहता है हु अटेंड्स ऑन डॉन पेड्रो। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो बाल्थसर है ये मच अडू अबाउट नथिंग में है, जो कि एक गायक है जो डॉन पेड्रो की सेवा में है, ये बाल्थसर। तीसरा जो आता है बाल्थसर ये किस में आता है? कॉमेडी ऑफ एरर्स में आता है, जो कि एक मर्चेंट रहता है, एक व्यापारी रहता है, ये याद रखना है। और आपका चौथा जो बाल्थसर आता है बाल्थसर, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है, अ सर्वेंट ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया का सर्वेंट होता है ये हम जानते हैं, जिसका पोर्शिया डिस्गाइज कर लेती है, बाल्थसर ही बन जाती है। तो चार कैरेक्टर हैं बाल्थसर नाम के, और अलग अलग प्ले में हैं शेक्सपियर के, याद रखना है। अगले पे आते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपका, अगला जो कैरेक्टर है बैंको नाम का कैरेक्टर किस में है? मैकबेथ, कौन भूल सकता है ना। और अ कैप्टन विद मैकबेथ, ही इज लेटर मर्डर्ड बाई मैकबेथ्स ऑर्डर एंड हिज घोस्ट हॉन्ट्स मैकबेथ एट अ फीस्ट। तो ये याद ही है बैंको कौन है, मैकबेथ का एक कप्तान रहता है, एक कैप्टन रहता है, बाद में उसे मैकबेथ के आदेश पे मार दिया जाता है, और उसका जो भूत है वो मैकबेथ को एक दावत में परेशान करता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला जो कैरेक्टर है बेशेनियो, अच्छा एक नाम के जो कैरेक्टर हो गए उसको हम काउंट कर लेंगे ताकि पता चले कितने कितने कैरेक्टर हैं एक नाम के। अगला जो कैरेक्टर है यहाँ पे भी हम देखते हैं, पहला कैरेक्टर बेशेनियो नाम का जो कैरेक्टर है ये किस में आता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। कौन रहता है? अ फ्रेंड ऑफ एंटोनियो का दोस्त रहता है, इज द सूटर पोर्शिया का सूटर भी रहता है, तो ये याद रखना है। बेशेनियो एंटोनियो का दोस्त होता है, पोर्शिया का प्रेमी भी होता है। दूसरा जो बेशेनियो है आपका दूसरा जो है बेसिनस, ये किस में रहता है? ये टाइटस एंडोनिकस में रहता है बेसिनस, और द यंगर ब्रदर ऑफ सैटनिनस, ठीक है। तो ये जो बेसिनस है ये कौन रहता है? ये सैटनिनस का छोटा भाई होता है। ही इज़ बिथ्रॉड टू लावण्या, ये क्या करता है? ये लावण्या से सगाई करता है। चिरोन एंड डेमेट्रियस मर्डर्ड हिम, और चिरोन और डेमेट्रियस उसकी हत्या कर देते हैं। एंड ले द ब्लेम ऑन मार्टियस एंड क्विंटस, और बाद जो बाकी जो सारा ब्लेम है वो मार्टियस और क्विंटस पर डाल देते हैं। तो बेसिनस याद रखना है, ये कौन रहता है? सैटनिनस का छोटा भाई होता है, ठीक है, सैटनिनस का छोटा भाई होता है, और जो लावण्या से शादी सगाई भी कर लेता है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है बिट्रिस एंड बेनेडिक्ट, एक ही में है, इसको ले लेते हैं। बिट्रिस एंड बेनेडिक्ट ये कहाँ पे आते हैं? मच अडू अबाउट नथिंग में आते हैं, द सेंट्रल कैरेक्टर्स हु फॉल इन लव विद ईच अदर। तो बिट्रिस एंड बेनेडिक्ट ये प्ले के प्रमुख कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, और मच अडू अबाउट नथिंग में आते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है बेरोन, ठीक है। बेरोन नाम का कैरेक्टर किस में आता है? लव्स लेवल लॉस्ट में आता है। एक विटी लॉर्ड ऑफ नवारे
हु ब्रेक्स हिज ओथ बाय फॉलिंग इन लव विद रोजालिन. तो बेरोन कौन रहता है? ये आपका लव्स लेबल लॉस्ट में आता है, बेरोन नाम का कैरेक्टर, जो नवारे का एक बुद्धिमान दरबारी होता है, जो रोजालिन से प्यार करने के कारण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता है. ये लोग प्रतिज्ञा लिए रहते हैं ना, किसी भी लड़की को देखेंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे, लेकिन रोजालिन के प्यार में पड़ जाता है और ये क्या करता है, अपने ओथ को तोड़ देता है जो वादा किए रहते हैं. चलिए नेक्स्ट पे आएंगे. अगला जो कैरेक्टर है बर्ट्रम, बर्ट्रम किस में है? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में है. द काउंट ऑफ रोजालिन हु इज़ मैरिड टू हेलेना. तो बर्ट्रम कौन है? ये रूशियन का काउंट है जो हेलेना से शादी करता है, बर्ट्रम. नेक्स्ट अगले जो कैरेक्टर है बायंका. यहाँ पे हम काउंट करेंगे, आई थिंक दो बायंका है यहाँ पे. बायंका ये किस में है? टेमिंग ऑफ द श्रू में है. ये जो बायंका है ये टेमिंग ऑफ द श्रू में है. द यंगर सिस्टर ऑफ कैथरीन, ये कैथरीन की छोटी बहन है. सी इज लव्ड बाय ग्रेमियो एंड हॉर्टेंसियो एंड इवेंचुअली मैरिज लुसेंसियो. तो ये याद रखना है बायंका किस में है, टेमिंग ऑफ द श्रू में है, और ये कैथरीन की छोटी बहन है. वो ग्रेमियो और हॉर्टेंसियो द्वारा पसंद की जाती है, यानी कि ग्रेमियो और हॉर्टेंसियो दोनों ही उसे पसंद करते हैं. बट अंततः लास्ट क्या होता है, इवेंचुअली लुसियो से शादी करती है वो, ठीक है, लुसेंसियो से शादी करती है, सॉरी. तो पहली बायंका ये हो गई. दूसरी बायंका यहाँ पे है. ये बायंका किस में है? ये तो हम सभी जानते हैं, ओथेलो में है. ये मतलब फेमस है, सभी जानने का मतलब फेमस है ये वाली बायंका. और ये माइकल कैशियस की मिस्ट्रेस रहती हैं, ये जो बायंका होती हैं माइकल कैशियस की प्रेमिका होती हैं, कैसियो की सॉरी, मेरे थोड़े से प्रोनंसिएशन में सब गड़बड़ हो जाएगा. कैशियस अलग कैरेक्टर है, कैसियो अलग कैरेक्टर है, ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं बोलिंगब्रोक. बोलिंगब्रोक किस में है? तो ये हेनरी फोर्थ में है. ही इज़ लेटर ऑन नोन एज किंग हेनरी फोर्थ. तो ये बोलिंगब्रोक कौन है? ये बाद में, ये हेनरी फोर्थ में है बोलिंगब्रोक. ये बाद में किंग हेनरी फोर्थ के नाम से जाने भी जाते हैं. ही लीड्स रिवोल्ट अगेंस्ट किंग रिचर्ड. ये क्या करते हैं? वह किंग रिचर्ड के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व भी करते हैं. ही इज़ द टाइटल कैरेक्टर ऑफ हेनरी फोर्थ पार्ट वन एंड हेनरी फोर्थ पार्ट टू है. तो ये क्या है? ये हेनरी फोर्थ पार्ट वन एंड हेनरी फोर्थ पार्ट टू के टाइटल कैरेक्टर हैं, ये याद रखना है, ठीक है. बोलिंगब्रोक याद रखना है, ये हेनरी फोर्थ में ही है और बाद में ये हेनरी फोर्थ के नाम से जाने भी जाते हैं, बोलिंगब्रोक. नेक्स्ट वन पे आएंगे. अगला जो ब्रोचियो, ये जो कैरेक्टर है ये मच अडू अबाउट नथिंग में है. अ विलन एंड सर्वेंट ऑफ डॉन जॉन. ये डॉन जॉन का विलन भी है और सर्वेंट भी है, खलनायक, और डॉन जॉन का नौकर भी है, याद रखना है ब्रोचियो. अगला जो कैरेक्टर है निक बॉटम. निक बॉटम किस में है? तो ये मिड समर नाइट ड्रीम में है. एक अवीवर हुज हेड वॉज चेंज फॉर अ डंकीज हेड बाई पक. तो ये जो है आपका निक बॉटम है, ये मिड समर नाइट ड्रीम में है. एक बुनकर है, एक वीवर है, जिसका सिर जो है पक द्वारा गधे के सिर में बदल दिया जाता है. टाइटेनिया फॉल्स इन लव विद हिम. और टाइटेनिया जब आँख खोलती है तो सबसे पहले उसी के प्यार में पड़ जाती है. टाइटेनिया फॉल्स इन लव विद हिम. टाइटेनिया उसी के प्यार में मतलब पड़ जाती है, प्यार कर बैठती है. ही ऑल्सो प्लेज पैरामिस इन पैरामिस एंड थिस्बे. तो वह है पैरामिस और थिस्बे में पैरामिस की भूमिका भी निभाता है, याद रखना है. कौन? निक बॉटम. ओके. और निक बॉटम को ही हम पक के नाम से भी जानते हैं, पक. और यही वो आइडल्स ऑफ वो जो याद नहीं आ रहा, वो लिक्विड जो है आंखों में डाल देता है, आई थिंक आइडल्स कुछ करके है, ये पक ही डालता है, ठीक है. सही समय पे सही चीज़ें याद नहीं आती जल्दी. चलिए नेक्स्ट पे आएंगे. अगला जो कैरेक्टर है डीसीएस ब्रूटस, ये जूलियस सीजर में है. ये जो डीसीएस ब्रूटस है ये जूलियस सीजर में है. वन ऑफ द कॉन्सिप्रेटर्स अगेंस्ट सीजर. तो डीसीएस ब्रूटस कौन है? ये जूलियस सीजर में है, सीजर के खिलाफ जो षड्यंत्रकारियों में से एक है, जो सीजर के खिलाफ जो कॉन्सिप्रेसी हो रही थी मारने की, उसमें से एक है ये डीसीएस ब्रूटस. अगला जो है मार्कस ब्रूटस, तो ये भी जूलियस सीजर में ही है. मार्कस ब्रूटस, डीसीएस ब्रूटस, देखिए ब्रूटस है लेकिन आगे नाम भी है, याद रखना है. तो वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स हु कॉन्सपायर्स अगेंस्ट सीजर्स लाइफ एंड स्टेप्स हिम. देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, डीसीएस ब्रूटस है कि ये भी है जूलियस सीजर में, और सीजर के खिलाफ ये
षड्यंत्रकारियों में से एक है। और मार्कस ब्रूटस भी जूलियस सीजर में है, ये प्ले का एक प्रमुख कैरेक्टर है जो सीजर के जीवन के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और उसे मार डालता है, मार्कस ब्रूटस, ये याद रखना है। हम जिस ब्रूटस को जानते हैं वो मार्कस ब्रूटस है, ठीक है। और डीसीस ब्रूटस बस उसमें शामिल होता है, वो भी तो दो दो ब्रूटस शामिल होते हैं और मेन ब्रूटस यही है मार्कस। नेक्स्ट, अगली जो कैरेक्टर है एनी बुलेन, हेनरी एट में आता है, अ मेड ऑफ ऑनर टू कैथरीन हु लेटर बिकम किंग हेनरी सेकेंड वाइफ। आई थिंक ये फिर से आ गया है। तो एनी बुलेन अभी हमने पढ़ा कि किस में है, हेनरी एट में है, और ये कैथरीन की एक नौकरानी है जो बाद में किंग हेनरी की दूसरी पत्नी बनती हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर किस में है, जूलियस सीजर में ही है, और ठीक है। तो जूलियस सीजर में है, द एपोनिमस प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। तो इस प्ले का ये मुख्य कैरेक्टर है जूलियस सीजर, ये समझ लीजिए कि मुख्य कैरेक्टर मतलब हीरो ही है, इस प्ले का ये हीरो है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, केएस कैसियस, ये याद रखना है। केएस कैसियस जो है ये जूलियस सीजर में ये भी है, वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स हु इंसाइट द कॉन्सपिरेसी अगेंस्ट सीजर एंड कमीशंस ब्रूटस टू द कॉन्सपिरेटर्स रैंक्स। तो ये जो कैस कैसियस है ये प्ले का प्रमुख कैरेक्टर है जो सीजर के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत करता है और ब्रूटस को षड्यंत्रकारियों में शामिल करता है। तो यही मेन है, मतलब ये भी मेन है, ये क्या करता है सीजर के खिलाफ कॉन्सपिरेसी करता है और यही सबसे पहले इंसाइट करता है, उकसाता है, और ब्रूटस को भी इसमें शामिल कर लेता है, यही ये याद रखना है, ओके। आगे है जो कैरेक्टर केएस मार्टियस कौन है, ये कोरियोलेनस, केएस मार्टियस कोरियोलेनस ये कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर किस में है, तो कोरियोलेनस में है ये कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, इस प्ले के ये हीरो हैं, हु अर्न्स द टाइटल कोरियोलेनस इन रिकॉग्निशन ऑफ द ऑफ हिज स्किल एट बीटिंग। तो क्या है, एट बीटिंग वेल्शियंस इन कोरियोलाई। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि केएस मार्टियस कोरियोलेनस जो है ये कैरेक्टर है कोरियोलेनस का, और ये कोरियोलेनस का हीरो है, ये समझ लीजिए। और ये क्या करता है, ये कोरियोलेनस का हीरो है जिसे कोरियोलाई में वेल्शियो को हराने की अपनी कुशलता के कारण कोरियोलेनस की उपाधि दी जाती है। तो ये क्या करता है, कोरियोलाई में वेल्शियंस को हरा देता है और जिसके कारण इसको कोरियोलेनस की टाइटल भी मिल जाती है, ठीक है, केएस मार्टियस कोरियोलेनस। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है माइकल कैसियो, अगला जो कैरेक्टर है माइकल कैसियो, ये ओथेलो में है। आई नो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन बस मुझे इतना जानना है, इतना बता रही हूँ मैं कि जो सिमिलर आपके जो कैरेक्टर है ना एक नाम के, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका माइकल कैसियो, ये किस में है, ओथेलो में है, ये ल्यूटिनेंट इन द प्ले इयागो परसुएड ओथेलो दैट कैसियो इज़ हैविंग एन अफेयर विद ओथेलोज़ वाइफ डेस्डिमोना। तो ये जो आपका है माइकल कैसियो, ये किस में है, ओथेलो में है, प्ले में लेफ्टिनेंट का काम करता है और इयागो ओथेलो को विश्वास दिलाता है कि कैसियो का ओथेलो की पत्नी डेस्डिमोना के साथ संबंध है, तो यही कैसियो रहता है वो। अगले जो कैरेक्टर है सीलिया किस में है, एज यू लाइक इट में है, और ये रोजालिन की कंपेनियन एंड कज़िन है, ठीक है, रोजालिन की दोस्त है और कज़िन भी है, याद रखना है। और सी कॉल्स हरसेल्फ एलिना, और ये क्या करती है, अपने आप को जब डिस्गाइज कर लेती है, ये याद रखना है, जब ये जंगल में जाती है अपनी बहन के साथ रोजालिन के साथ, तो वहाँ पे डिस्गाइज कर लेती है, जब डिस्गाइज कर लेती है तो नाम क्या रखती है, एलिना रखती है, ठीक है, एलिना रखती है। वाइल इन हर सेल्फ इम्पोज एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, तो याद रखना है इसको कि जो आपकी सीलिया है ये रोजालिन की साथी और चचेरी बहन भी है, और अपने स्वयं निर्वासन के दौरान आर्डन के जंगल में जब जाती हैं तो खुद को एलियाना बताती हैं कि मैं एलियाना हूँ, एलियाना। एंड नेक्स्ट वन है लॉर्ड चेम्बरलेन इन हेनरी एट। तो अगला जो कैरेक्टर है लॉर्ड चेम्बरलेन, ये भी कैरेक्टर है किसमें, हेनरी एट में है, याद रखना है। अ फ्यूजन ऑफ टू हिस्टोरिकल लॉर्ड चेम्बरलेन, वन ऑफ देम इज लॉर्ड सैंडीज हु इज ऑल्सो अ कैरेक्टर इन द प्ले। तो लॉर्ड चेम्बरलेन ये हेनरी एट में है, जो कि दो ऐतिहासिक लॉर्ड चेम्बरलेन का एक मिश्रण है, जिनमें एक लॉर्ड सैंडीज हैं जो प्ले में भी एक कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं कि आगे भी हम कर लेते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद कम से कम हो जाएगा एक वीडियो में। अगला जो कैरेक्टर है चार्मियन,
चीयर कह रहे हैं। चारमियन ये किस में है? एंटनी एंड क्लोपेट्रा में है। इसमें है एंटनी एंड क्लोपेट्रा में है। द मेन अटेंडेंट टू क्लोपेट्रा हु डाइज बाय स्नेक बाइट। तो चारमियन किस में है? एंटनी एंड क्लोपेट्रा में। क्लोपेट्रा की मुख्य परिचारिका है जो सांप को काटने जो सांप के काटने से मर जाती है। अच्छा, ये क्लोपेट्रा सांप के काटने से मर जाती है, ये नहीं मरती, ये चारमियन या एंटनी क्लोपेट्रा में है। सिन्ना इन जूलियस सीजर, सिन्ना जो नाम का कैरेक्टर है जूलियस सीजर में है, वन ऑफ द कॉन्सिप्रेटर्स अगेंस्ट सीजर। दो टाइप के सिन्ना है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं है। एक सिन्ना पोएट होता है, उसको बेचारे मार देते हैं, लेकिन वो बताता भी है कि मैं वो सिन्ना नहीं हूँ, मैं पोएट। उसके बाद भी उसको मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? लोग ये कह रहे हैं इसको मार दो, ये पोएट्री ही गंदी करता है। तो पहला सिन्ना किस में है? जूलियस सीजर में है। दोनों ही जूलियस सीजर में है, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है? एक सिन्ना होता है कॉन्सिप्रेटर्स अगेंस्ट सीजर, सीजर के खिलाफ कॉन्सिप्रेसी होती रहती है, तो उसमें भी उसमें शामिल रहता है ये वाला सिन्ना। और जो दूसरा सिन्ना है बेचारा तब भी मारा जाता है बेमौत। ये जो सिन्ना है ये भी जूलियस सीजर में है, एक पोएट है हु इज़ मिस्टेकन फॉर द कॉन्सिप्रेटर सिन्ना। When the mob realize that they have the wrong man, they kill him for his bad words. देखिए वही चीज़ यहाँ पे आ गया, याद रखना है, ठीक है? ठीक है, तो ये जो सुनना होता है ये एक पोएट होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक पोएट होता है जिसे गलती से जो षड्यंत्रकारी होते हैं उसे षड्यंत्रकारी वाला सिन्ना समझ लेते हैं इसको, कि ये जो अगेन जो सीजर के खिलाफ षड्यंत्रकारी यही रच रहा था, तो गलती से इसको समझ लिया जाता है वो वाला सिन्ना। लेकिन जब पब्लिक को पता चलता है, जब मॉब को पता चलता है, जब भीड़ को एहसास होता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, तो वो उसे उसकी ख़राब कविताओं के लिए मार देते हैं। जब जान जाते हैं कि ये गलत है, मतलब ये वो सिन्ना नहीं है, उसके बावजूद इसको मार देते हैं, क्योंकि अरे मारो, ये खराब मतलब बैड वर्सेस है, इस खराब कविता करता है, इसको तब भी मार दो, मतलब इतने गुस्सा है। कहते ऐसे नहीं, मॉब को गुस्सा हुई भीड़ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन है क्लोपेट्रा। क्लोपेट्रा किस में है? एंटनी एंड क्लोपेट्रा में है। द बिलबेड ऑफ एंटनी इन द प्ले सी कमिट सुसाइड बाई अ पॉइजनस स्नेक्स बाइट। तो क्लोपेट्रा को कौन नहीं जानता, नाटक में एंटनी की प्रेमिका है प्ले में, और वो एक जहरीले सांप को काटने से आत्महत्या कर लेती हैं। आत्महत्या कैसे करती है? जहरीले सांप से अपने आप को कटवा लेती है। नेक्स्ट जो है क्लॉटिन। क्लॉटिन किस में है? सिम्बलिन में है। ये कौन रहती है? स्टेपसन ऑफ किंग सिम्बलिन। ये कौन रहता है? ये स्टेपसन होता है किंग सिम्बलिन का, ठीक है? किंग सिम्बलिन का सौतेला बेटा होता है क्लॉटिन। ही लव्स इमोजन। ये इमोजन से प्यार करता है एंड इवेंचुअली रिजॉल्व द रेप हर, और अंततः उसे बलात्कार करने का फैसला भी करता है। कहीं ना कहीं उसकी बहन भी रहती है ये। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो है क्रैम्बिस। क्रैम्बिस करके जो कैरेक्टर है ये हैमलेट में है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो मैं इम्पोर्टेंट लगाना चाहूँगी। इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है बता रही हूँ। तो क्रैम्बिस ये हैमलेट कैरेक्टर में है, एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर पोलोनियस। तो ये पोलोनियस का दूसरा नाम है। ही सो नेम्ड इन द फर्स्ट क्वार्टो एडिशन ऑफ शेक्सपियर हैमलेट 1603। तो ये याद रखना है कि जो आपके क्रैम्बिस हैं, जो क्रैम्बिस हैं, ये हैमलेट के फर्स्ट क्वार्टो एडिशन जो आया था 1603 में, उसमें पोलोनियस का वैकल्पिक नाम है। तो 1603 में जब हैमलेट का फर्स्ट क्वार्टो आया था ना, उसमें हैमलेट था, तो फर्स्ट क्वार्टो एडिशन में हैमलेट था, तो उसमें पोलोनियस का ये क्रैम्बिस नाम था। बाद में ये चेंज हुआ ना, बाद में ये पोलोनियस हो गया हम जानते हैं, तो क्रैम्बिस नाम, तो दो नाम इसके हैं, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया करके कैरेक्टर किस में है? किंग डियर में है। द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द किंग, ये राजा की सबसे छोटी बेटी होती है। सी मैरिज द किंग ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के राजा से शादी कर लेती हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल। द ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल कौन होता है? ये किंग लियर का, मतलब किंग लियर में ही है, और रीगन्स हस्बैंड, ये रीगन का हस्बैंड होता है। हु पुट्स आउट ग्लोसेस्टर्स आइज। तो ये याद रखना है कि जो कॉर्डिलिया, सॉरी ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल है, कौन है? रीगन का पति है जो ग्लोसेस्टर की आंखें फोड़ देता है, ठीक है? इसका कैरेक्टर यही भूमिका है, ये क्या करता है? ग्लोसेस्टर की आंखें फोड़ देता है किंग लियर में। एंड इतना ही रहने देते हैं। एंड नेक्स्ट है क्रेसिडा। क्रेसिडा किस में है? ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में है। वन ऑफ द टाइटल कैरेक्टर्स इन द प्ले, तो टाइटल कैरेक्टर है भाई, इसी में आया क्रेसिडा आया है। द ट्रोजन प्रिंस ट्रॉलिस फॉल्स इन लव विद हर। तो क्रेसिडा किस में है? राजा की सबसे छोटी बेटी होती है, वो फ्रांस के राजा से शादी कर ले, सॉरी क्रेसिडा ये प्ले के मतलब टाइटल प्ले है,
सॉरी मतलब प्ले के शीर्षक जो कैरेक्टर में से एक है ट्रोजन राजकुमार ट्रॉलिस से उसे प्यार करता है। ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, क्रेसिडा भाई हीरोइन है ये याद रखना है, और जो राजकुमार है ट्रोजन प्रिंस ट्रॉलिस उसके प्यार में पड़ जाता है ये याद रखना है। चलिए अब आगे देखेंगे हम, इस यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। सिम्बलिन, सिम्बलिन नाम का कैरेक्टर सिम्बलिन में ही है। द टाइटल कैरेक्टर है ऑफ द प्ले, टाइटल प्ले का टाइटल कैरेक्टर है इज़ द किंग ऑफ द ब्रिटॉन्स। ये कहाँ का राजा है? ब्रिटॉन्स का राजा है, तो ब्रिटॉन्स यानी कि ब्रिटेन का राजा है। एंड फादर टू इमोजन, इमोजन और ये इमोजन का पिता भी है, गाइडर्स, गाइडरस एंड अर्विरेगस। ठीक है, तो ये गुइडेरियस इसको पढ़ा जाएगा, गुइडेरियस और अर्विरेगस का पिता है, यानी कि इमोजन गुइडेरियस और अर्विरेगस का पिता है ये सिम्बलिन, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इस प्ले की हीरोइन कौन है। अगर इस प्ले की हीरोइन की बात किया जाए, हीरोइन कौन है, तो इमोजन है। ठीक है, इमोजन है, ये इमोजन, तो गाइड्रेस अर्विरेगस का ये पिता है। तो यहीं पे हम एंड करते हैं, 60 ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम दो वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा, वीडियो लेंदी हो गई है वैसे भी, तो दो वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद एक वीडियो में इसको कंबाइन कर देंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, इसका PDF जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका PDF दे दूँगी टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सअप पे भी भेज दूँगी, आप बस जुड़ जाइएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।